हम सेकुलरवादी हैं, हम मानवतावादी हैं, हम ऐसे किसी भी विचारधारा के खिलाफ हैं, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे दक्षिण पंथ हो, कोई पंथ हो, पंथ के खिलाफ होना चाहिए। आरएसएस यदि अपनी बात करे तो वो राष्ट्रवाद है, कोई और विचारधारा यदि अपनी बात करे तो आतंकवाद है। इस कंट्री ने कभी निगेटिव नैरेटिव सेट नहीं किया, हमेशा यह कंट्री, यह देश, इस देश के लोग सकारात्मक विचारों पर जिंदा रहा है। प्रेम का उसका आधार रहा है, सहिष्णुता उसका आधार रहा है, देने की प्रवृत्ति रही है, लेने की प्रवृत्ति नहीं रही है, मानवता की प्रवृत्ति रही है। रिश्तों में उन्होंने विश्वास किया, तोड़ने में नहीं। और इस कंट्री के लोग हमेशा कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ रहे। सवाल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का नहीं है, सवाल भूमिहार, जाधव, राजपूत, तेली, दक्षिण पंथ और वामपंथ का नहीं है, सवाल है नफरत का, सवाल है आंतरिक अपराध, आतंकवाद और बाहरी। क्या पीएफआई 8 सालों के बाद कुंभकर्ण की निंद्रा में इनकी नींद क्यों टूटी? जब जब नैरेटिव सेट करने की बात आती है, 24 चुनाव, कभी कुछ कभी कुछ, साध का मुद्दा यह भूलिएगा नहीं, साध के नाम पर इन्होंने पूरे देश के रोजगार करने वाले मुसलमानों के दुकान पर थूक फिटवा दिया था और साध को आज तक टच नहीं कर पाए, इसकी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, न्यायालय नहीं गए। साध गलत नहीं होगा तब ना, राष्ट्रवाद और 370 की बात करने वाला भूलिएगा नहीं, महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी और 370 और एनआरसी के खिलाफ वोट देने वाले गुलाम नबी आजाद के लिए इन्होंने आंसू बहाया था और कांग्रेस से तोड़कर उसके कंधों पर राजनीति करना चाहती है। ये वो बीजेपी है, ये सिर्फ आंख धूल झोंकती है। कौन इन्हें रोका था? पीएफआई यदि गलत थी, आंतरिक आतंकवाद को कहीं से बढ़ावा था तो ये कोर्ट में जाए, स्वतंत्र हमारा न्यायालय, इनको बहुत पहले बैन। हम सेकुलरवादी हैं, हम मानवतावादी हैं, हम ऐसे किसी भी विचारधारा के खिलाफ हैं, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे दक्षिण पंथ हो, कोई पंथ हो, पंथ के खिलाफ होना चाहिए। अंधविश्वास, अंध भक्त के खिलाफ होना चाहिए। सवाल उठता है, क्या ये बीजेपी का जो लाइन है, क्या ये स्टंट है, क्या ये 2024 का नैरेटिव है, या सिर्फ किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष पर हमला है? आरएसएस यदि अपनी बात करे तो वो राष्ट्रवाद है, कोई और विचारधारा यदि अपनी बात करे तो आतंकवाद है, दलित संगठन बात करे तो अलगाववाद है। ये कैसे संभव? ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप समझ लीजिए। इसलिए मैं किसी भी कट्टरपंथ और आतंकवाद के मैं खिलाफ हूं, ऐसी किसी भी विचारधारा के मैं खिलाफ हूं जो मानवतावादी विचारधारा के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब अंबेडकर, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की शहीद के विचारधारा पर खिलाफ,